नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको घोड़ा बनाना बताऊंगी। वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ तक मैंने ये बना दिया था, इधर तक कंप्लीट कर दिया था। अब ये पीछे का हिस्सा बनाएंगे। अब यहाँ पर देखिए जो ये चीज़ है, जो आप ये कोने बोल रहे थे कैसे बनाना है, तो ये आप लोग देख लीजिए कैसे बनाने हैं। इसको इसी तरीके से बनाने जैसे पहले ये बनाया था, तो इसमें भी सेम उसी तरीके से बनाने हैं। दोनों को ऐसे ही बनाएंगे, तो देखते हैं कैसे बनाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से ये वाला जो मोती है, इधर से लेंगे धागे को। ये देखिए ये चार मोती है, तो इधर ये कोने से लेंगे, इस मोती से डालेंगे धागा को। यहाँ पर तीन मोती डालेंगे, नहीं दो मोती डालेंगे। दो इसलिए डालेंगे क्योंकि इसमें तभी ये कोना बन पाएंगे। अगर तीन डालेंगे तो फिर ये डिजाइन नहीं बन पाएगी। ये देखिए हमने दो मोती डाले, इसको डाल के इसके पीछे से ऐसे निकाल देंगे। ये देखिए ये तीन मोती हुए ना टोटल। इसमें वैसे क्या करते थे हम लोग, जब इधर होता था तो तीन मोती डालते थे, फिर दो दो मोती डालते थे, लेकिन ऐसा नहीं करना। इस बार दो ही मोती डालना, टोटल तीन मोती गिनने में आएंगे। इसको फिर ऐसे लेंगे, ये देखिए अब ये हुआ। अभी इसमें दो मोती यहाँ से डाल देना है, ये इसके अंदर से ऐसे आएंगे। ये देख सकते हैं आप, इधर से दो मोती हुआ। फिर इसके बाद अभी ये इधर से डालने के बाद ये देखिए अब इस वाले मोती से ऐसे हमें फिर तीन मोती इसके ऊपर डाल देना है। ये अपने आप कोने बन जाएंगे। यहाँ से हमने तीन मोती डाल दिया, ये इस तरीके से अभी देख सकते हैं आप। फिर अभी इधर से और दो मोती डालेंगे, ये वाले मोती। अभी इस वाले मोती से इसको एडजस्ट कर देंगे। ये देखिए इसके अंदर से ऐसे मोती डालेंगे। ये देख लीजिए यहाँ पर तीन मोती डाला, फिर तीन मोती ये डाल के फिर इधर से इसको धागे को अच्छे से मैंने टाइट कर लिया। ये वाले धागे को अच्छे से टाइट किया, उसको निकाल दिया था इसलिए क्योंकि इधर से लूज लूज हो रहा था। तो ये मैंने जिसे दो मोती डाल के टोटल तीन मोती हो गया। अब इधर से इस धागे को इधर से डाल के और इधर से दो मोती इसके ऊपर से ऐसे लगा देने हैं, दो मोती इसके अंदर से ऐसे डाल देना है। देखिए इसमें गांठ लगा है ना, तो इस अंदर इसलिए नहीं जा रहा है ये। अभी देखिए ऐसे हुआ। अब इसके बाद इस वाली मोती से ये वाली जो मोती है, अब फिर इधर से दो मोती इसमें डाल देंगे। इसको डालने के बाद इसको भी थोड़ा अच्छे से टाइट कर देंगे। ये देखिए इधर से फिर हमें इसको इधर से लेंगे, ऐसे वैसे लेके इसमें फिर दो मोती डालेंगे। फिर इधर से हमें इधर से दो मोती ऐसे लेना है, ऐसे ये देख सकते हैं ये आ गया। फिर इसको ऐसे डाल देना है।
फिर यहाँ से दो मोती लेना है। और इसके अंदर से ऐसे डाल देना है, ये चीज़ देखिए ये ऐसे आएगा। फिर इसको ऐसे लेंगे, इसमें दो मोती फिर डालेंगे, और फिर इसके अंदर से ऐसे ले लेंगे, फिर दो मोती डाल देंगे। अभी ये वाला भी एक बार लाइन फिर अच्छे से तैयार करेंगे। अभी एक एक लाइन इधर से इधर तक इसको कर लेंगे, फिर इसके कोने में भी मोती डालेंगे जैसे इसको डाला था। अब देखिए इस धागा को हमें कहाँ लाना है। अब इधर देखिए, ये देखिए कोना जैसा बन गया है ना ये वाला, ऐसे इधर भी कोने निकालने हैं। तो फिर ये जो लास्ट वाली मोती है इधर देखिए, हमने इस धागे को इधर निकाला, इसमें अब इसमें दो मोती फिर डालेंगे हम। ये देखिए दो मोती डाल दिया, डालने के बाद इसको इसके अंदर से ऐसे ऐसे कर देंगे। ये देखिए टोटल तीन मोती हो गई। अब इधर से ये देखिए इधर से हमने मोती को ऐसे डाल दिया। इधर से इस दो मोती और डाल देंगे, देख सकते हैं। देखिए इसको इधर से कर देंगे, ये है ना ये वाला कोना बनाया था, इसको इधर से बनाते बनाते जाएंगे ये वाले कोने अपने आप इधर से निकल जाएगा। अब इधर से फिर इसको इधर से लिया धागे को, इधर से फिर दो मोती डालेंगे इसमें। देखो इसमें इसमें भी इधर से दो मोती इसके अंदर से इसे निकालेंगे ऐसे करके, तो यहाँ से दो मोती आएगा। इसके बाद में ये देख लीजिए, फिर इधर से देखिए दो दो मोती में डाल के ला रही हूँ, फिर इधर भी दो मोती डालेंगे। फिर अब इधर आ जाएंगे, देखिए इधर भी दो मोती से डाल के इसके अंदर से इसको डाल देंगे। देखिए दोस्तों इस तरीके से, ये देखिए हमने ये इधर भी कोना निकाला, इधर भी ये कोने निकाले, ये दोनों बराबर से होनी चाहिए। इधर पतला रहेगा ये चीज़ और इधर थोड़ा चौड़ा रहेगा। इधर पे ये देखिए ये मोती मैं गिन के बता दूंगी यहाँ तक कितने हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 आठ नौ, नौवे मोती पे इसमें इधर कोना निकालना है। फिर इसके बाद में ये वाली जैसे एक 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 दूरी दूरी दी है इस तरीके से, ये देखिए बनती चली जाएंगी। अभी यहाँ इसको ऐसे ही बना देना, इसमें मोती कोई गिनने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ ऐसे डिजाइन आनी चाहिए। अभी फिर क्या करेंगे, देखिए एक मोती फिर इधर से ऐसे लगा देंगे,
ये इसके ऐसे लगाए, देखिए फिर अभी एक लाइन और ये वाली कंप्लीट कर देंगे इधर से, फिर दो दो मोती पूरा ये लाइन में लगा देंगे इसके अंदर से ऐसे, ये ऐसे देखिए इधर तक पूरा ये दो मोती कंप्लीट कर देंगे, दो दो मोती लगा के। इसके दोस्तों दो पार्ट बनेंगे, देखिए दो दो मोती ऐसे इसको लगा देंगे। देखिए धागा बड़ा है ना तो इसलिए ज्यादा फंस रहा है। ये वाली लाइन में यहाँ तक कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ, यहाँ तक ये देख सकते हैं लास्ट में इधर बस इधर तक ही करना है और इसके बाद में यहाँ से गांठ लगा देना है। ये देखिए इस तरीके से आएगा, यहाँ चौड़ा रहेगा यहाँ पीछे की तरफ पतला रहेगा, यहाँ पर हम इसको गांठ से बांध देंगे। यहाँ से धागा को कट कर लेंगे। देखिए दोस्तों इस तरीके से ये घोड़े का बॉडी मतलब तैयार करना है। ये एक पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट भी ऐसे ही, देखिए इधर कैसे आया, ये ऐसे आना चाहिए, इधर भी देखिए काफ़ी बोला, बस इसको भी दूसरा वाला जो पार्ट बनाएंगे दोनों पार्ट ऐसे मिला के इसको ज्वाइन कर लेंगे, जैसे हमने तोता और मतलब जितना सबको ज्वाइन करके सेम उसी तरीके से ज्वाइन करना है आपको। जैसे ये दो पार्ट है, ये देखिए दो पार्ट है, एक ये पार्ट एक ये पार्ट, अभी इसको ऐसे रखना है ऐसे, अभी तो ये उल्टा हो रहा है लेकिन इसको देखिए ऐसे रखना है ऐसे। देखिए ये तो अभी दोनों एक मतलब एक ही तरफ का बन गया है ना, जैसे इसमें क्या करना है जब उधर का बनाना है तो ऐसे एक बार ऐसे फिर एक बार ऐसे, मतलब ये वाला ऐसे होना चाहिए तो ये वाला ऐसे होना चाहिए, इसको मिला के ऐसे ज्वाइन कर लेंगे, जैसे एक एक है ना इसमें ऐसे ऐसे करके ज्वाइन कर लेना चाहिए इसे, जब इसको सीधा करेंगे ऐसे पलटेंगे तो ये दोनों सीधा आ जाएंगे, ऐसे आ जाएंगे, ये देख सकते हैं ऐसे ऐसे एक एक करके एक एक मोती सब में लगाते चले जाना है आपको अच्छे से, बस ये ज्वाइंट हो जाएगा। फिर लास्ट में ये तो मैंने ऐसे नमूने के तौर पे इसको ये लगा दिया था ताकि ये भूल पार्ट है ना तो इसमें फिर भूल जाते हैं लोग कहाँ ये है पीछे का कहाँ आगे का, इसलिए मैंने ये लगा दिया था। इसको अभी नहीं लगाना, लगाने का तरीका ऐसे ही है, मतलब दो दो लगाने इसमें, यानी कि दो इधर के बनाएंगे दो पीछे के, चार 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 पीछे के चार आगे के, आठ पैर बनेंगे इसके और दो पूंछ के लिए बनाएंगे तो ये एक हो जाएगा ये वाली। चलिए ये देखिए आगे का है, ये निकाल दिया था हमने, ये आगे का पैर है ऐसे, अब इसको कैसे बनाएंगे देख लेते हैं, पैर पैर बनाना और सीख लेते हैं। देखिए तीन मोती मैंने ब्लू डाली एक वाइट डाली, इसको डाल के इसके अंदर से ऐसे निकाल देना है इस तरीके से आएगी, फिर इसको डबल धागा में कर लेना है एक बार राउंड से अच्छे से टाइट हो जाए। फिर इस सफ़ेद वाली मोती से वाइट वाली मोती से मतलब इसको ऐसे निकाल देंगे, फिर अभी तीन मोती फिर डालेंगे वाइट कलर की, देखिए डाल दिए, डालने के बाद इधर से फिर धागे को फिर एक बार फिर तीन मोती डालना है अभी वाइट कलर की मोती डलेगी, ये देखिए ऐसे, फिर इसके बाद इधर से धागा को लेना है अच्छे से खींच लेंगे एक बार और वाइट मोती डालेंगे,
से फिर इसको डबल कर लेंगे ताकि अच्छे से टाइट हो जाए। फिर अब ये वाली मोती से इसमें फिर तीन मोती में व्हाइट कलर की डाल दिए। ये देखिए इस तरीके से डाल के फिर यहाँ पर ऐसे अच्छे से खींचते हुए लाना ताकि ये जितना टाइट होगा उतना ही अच्छा बनेगा। अभी फिर से हमें दो मोती व्हाइट डालनी है और ऐसे इसको निकाल देना है। अब इधर से इसको इधर से लाना है, इस धागे को इधर से इसे खींच के लाएंगे। देख सकते हैं इधर पे ये दो मोती बिलियों में ऐसे डाल देनी है, ऐसे करके डाल देना है। डालने के बाद अच्छे से खींच देंगे और ऐसे देखिए और इसको इधर से ले लेना, धागे को ऐसे खींच के ऐसे ले लेना। फिर इसके बाद में इधर से आ जाना है, फिर ऐसे ले लेना है। यहाँ पर इस एक मोती छोड़ के इस वाली मोती से फिर तीन मोती इसमें डाल देना है। ये हमने इसके ऊपर ऐसे करके डाल दिए, ऐसे डाल दिए। डालने के बाद इस मोती को और इस मोती के इसके फिर दो मोती हम इसके ऊपर से इसे डाल देंगे। अब इसके ऊपर से फिर दो मोती इधर आएगी व्हाइट कलर की। ये देखिए अब ये इतना बनाने के बाद फिर इधर से धागे को ऐसे लेंगे, फिर यहाँ पर तीन मोती डालेंगे। ऐसे यहाँ तीन मोती लेके दो मोती फिर इधर से डाल देंगे। ऐसे डालने के बाद इधर से तीन मोती इसके ऊपर से ऐसे ले लेंगे। इधर से फिर इधर से दो मोती ऐसे डाल देंगे। ये देखिए इस तरीके से ये जाएगा। अब इसमें देखिए अभी इधर से फिर तीन मोती इधर से डाल देंगे ऐसे। फिर इधर से इस वाली मोती से इसको इस वाली मोती से तीन मोती फिर इधर पर डालेंगे। ऐसे ये देखिए ऐसे आएगा। अच्छे से टाइट करते जाना है। दो मोती फिर इधर से ऐसे डाल देना है। ये धागा इधर लेके आए थे ना, ऐसे ये था ना पीछे, इसको हमने ऐसे करके घुमा दिया है और इसको अच्छे से टाइट करके ऊपर ले जाना है फिर धागे को ऐसे। फिर इसके बीच से ये दो है ना मोती के बीच से इसमें दो मोती फिर डाल देना है ऐसे करके। इसमें दो मोती फिर डाल देना है। दोस्तों जुकाम की वजह से मेरा गला ख़राब हो गया, इसलिए थोड़ा बोली में ये हो जा रहा है, दिक्कत हो जाता है। फिर यहाँ पर
तीन मोती फिर डाल देंगे ऐसे। डालने के बाद इसको अच्छे से फिर इस इधर से ऐसे पकड़ के दो मोती फिर डाल देंगे। अब इधर से फिर इसके ऊपर से ऐसे दो मोती फिर डाल देंगे। फिर यहाँ से तीन मोती इसके ऊपर डालेंगे। यहाँ पर दो मोती फिर डाल देंगे। यहाँ पर तीन मोती डालेंगे लास्ट में, इधर पे तीन मोती डालेंगे ये वाले में। इस ये जो धागा है ना इसमें कोने में, इसमें तीन मोती डाल के ये पैर कंप्लीट हो जाएगा। अब इसमें गांठ लगा देंगे। ये देखिए इस तरीके से ये कंप्लीट होगा। ये पैर है, ये दो देखिए, ये दो, ये पहले वाला पैर है, ये अभी बनाया है। अब इसको देखिए ऐसे रख के ऐसे इसकी चार पैर बनेंगे। ये जैसे एक ये बना लिया, अभी तीन और पार्ट बनाएंगे। फिर इसमें ऐसे करके रख के एक एक मोती ज्वाइंट कर लेंगे, ऐसे ऐसे रख के फिर इसमें ऐसे लगाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि डायरेक्ट लगाएंगे तो इसमें ऐसे भी करके लगा सकते हैं। इसे इधर से दो इधर, दो इधर, दो दो लगेंगे ना, ऐसे दो इधर फिर दो इधर। अगर इसमें ज्वाइंट करके डायरेक्ट लगा सकते, डायरेक्ट लगा नहीं तो एक एक करके भी ज्वाइंट में हो जाए, जैसे आपकी इच्छा है। जैसे हमने तोता में किया था सेम उसी तरीके से करना है। दो आंग दो इधर के रहेंगे इस तरफ के, दो उस पार्ट के चार पैर आएंगे, चार पैर पीछे। वो पीछे वाले अलग बनेंगे। पीछे वाले देखिए थोड़ा सा अलग है, ये इधर से पतला शेप आया है और आगे अलग थोड़ा सा मोटा है। फिर पूंछ ये नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे आपको, पैर और पूंछ। अब इसको देखिए ऐसे ही